फाइनली वी आर इन द कार 2.8 लीटर ऑटोमेटिक लाइक ये फॉर्चुनर से बढ़िया खिंचती है, वेट नहीं है। तेरा दिमाग हो गया खराब, दोबारा लगा। सबसे पहली बात भैया बोले कि खराब तो करा दी, नहीं तो नहीं करा दे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिलहाल आप देख सकते हो तीन काली गाड़ियां जो हैं वो यहां पे खड़ी हुई हैं। क्या है वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है, बाल कटवा दिए इसलिए? नहीं यार, मैं तो बाल में भी अच्छा लग रहा हूं। हैं बात, अच्छा खुद की तारीफ खुद ही। मिस्टर आकाश की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जैसे इन्हें पता है कि मुझे किसी भी टाइम निकलना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये हमारा रास्ता हमेशा ही ब्लॉक करते हैं। अच्छा लगता है इन्हें देख के। और सुनाओ फिर क्यों बोला वीडियो नहीं बनाना अभी? नीचे से सही आभूषणों में तो मैं नीचे से आपको दिखाएंगे नहीं, ऊपर से दिखाएंगे जहाँ से आप सही हो। और सुनाओ ठीक चल रही है लाइफ? जिम विम बढ़िया चल रही है? दिखाओ बाइसेप तो दिखाओ। और भाई साहब क्या बात है, क्या बात है भाई, कोई इन्होंने हेल्प नहीं करी, भाई का बाइसेप नहीं निकल पाया। सारी हेल्प की हुई है बट करते नहीं। एक्सरसाइज किसने लिख के देनी थी, डाइट ऐसे लिख के दे दी जैसे मैंने कंपटीशन लड़ना है। सॉरी हाँ, ट्रेनर भाग गया। सीरियसली ओ यार ये बात तो, चलो कोई नहीं, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, शाम को आके मिलते हैं। आजकल ना मौसम क्या है सही सा हो गया हुआ है, तो अभी आज ना जिप्सी चलाने का बड़ा अच्छा मजा तो आता है, क्योंकि मतलब शीशे वीशे खोल के ना बड़ा सही था। तो अभी मुझे भूख लगी हुई है, पहले जाऊंगा खाना खाने और फिर उसके बाद आज का क्या सीन था वो कंटिन्यू करते हैं। पहले भूख मिटाएंगे फिर उसके बाद सोचेंगे, क्योंकि भूख जब मिट जाए ना फिर सोचने में थोड़ा अच्छा रहता है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहुंच चुके हैं रोहन भाई के बाद। रोहन भाई क्या हाल है? बढ़िया ठीक। और सुनाओ भाई, आप रोहन भाई को देख रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप देखो इधर पता नहीं क्या हादसा हुआ है। इधर देखो अर्जुन भाई क्या हादसा किया है, घूमो थोड़ा सा, ये देख रहे हो। अभी रुको हादसा इतने पे नहीं रुकेगा, हटाना इसको। मुकेश भाई कहाँ भाग कर रहे हो? और ये एक आदमी तो रंगे हाथ ही पकड़ा गया है। सुनील भाई कम हेयर, सबने एक साथ मिलके क्यों किया है ऐसे? मन था ये कौन सा मन था पर आप तो है एकदम जैसे वो सिंगर होते है ना वैसे लग रहे हो। ये बंदा फिर भी अरे भैया की सारी बातें भी नहीं मान लेनी है, भैया का कुछ ज्यादा बोलते तो दिक्कत हो जाए। तो चलो क्या दिखाना, चलो गाड़ी वॉश करती थी। काफी दिनों बाद गाड़ी को जो है वॉश कराया और थोड़ा सा अलग अलग सा लुक भी है। चलो निकलते हैं फटाफट। जम्मू में 19 से लेकर 33 डिग्री, हिसार में 30 से 36 डिग्री, देख रहे हो आप। ये भी सारे मौसम का हाल ही बता रहे हैं। टॉकिंग अबाउट टुडेज प्लान, तो भाई साहब आज के प्लान में है एक नई गाड़ी। कौन सी गाड़ी है, किसकी गाड़ी है, वो हम आपको सारा बताएंगे। तो फिलहाल हम उसी के लिए जा रहे हैं। इमरजेंसी में आया हमें एक कॉल जिसमें उन्होंने कहा कि भाई साहब गाड़ी लेनी है और आज ही लेनी है, क्या आप हमें हेल्प कर सकते हो? फिर मैंने कहा हेल्प तो मैं नहीं कर सकता कुछ खास, बट जहां से वो गाड़ी तो भाई वो अपने नोन निकले। तो अभी मैं सीधा लोकेशन पे जा रहा हूं, देखते हैं गाड़ी फाइनलाइज हुई है नहीं हुई है और इतनी क्या इमरजेंसी है कि आज ही गाड़ी लेनी है और कौन सी गाड़ी लेनी है। तो एक नई गाड़ी आ रही है, सही है ठीक है, इतना काफी है। तो चलो ठीक है फटाफट से पहुंचते हैं लोकेशन पे। आज के दिन की शुरुआत काफी ज्यादा लेट हुई है, रीजन बीइंग सुबह 8 बजे लाइट गई और 12 बजे लाइट आई। लैपटॉप डेड था, फोन डेड था और ऊपर टंकी में पानी नहीं था, तो मैं नहा भी नहीं सकता था क्योंकि नीचे से मोटर ऑन करेंगे तो ऊपर पानी जाएगा। तो 12 बजे तक मैं कुछ कर ही नहीं पाया, लेटा फिर क्या करता, फिर उठा 12 बजे आई, मैंने लैपटॉप चार्ज पे लगाया, फोन चार्ज पे लगाया, फटाफट से मोटर लगाई, पानी चढ़ाया, नहाया, वीडियो एडिट की और फिर निकला। निकलते 2 बज गए, फिर निकले, खाना खाया, जिम नहीं उठाई और अब लगभग टाइम जो है वो लगभग 2:45 हो चुके हैं। तो इस तरह से आज के दिन की शुरुआत हो रही है। काफ़ी कुछ डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आई एम अ गुड एक्सप्लेनर आई थिंक सो। तो चलिए ठीक है निकलते हैं, बाकी देखते हैं ये जो रूफ रैक और फुटस्टेप हमने उतारे थे इनका क्या अपडेट पहुँचा है, ये भी कोई जिंदगी भर के लिए नहीं उतारे हैं, ये भी वापस लगाने हैं। तो चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट आई थिंक दिस इज इट। एक के बाद एक स्कॉर्पियो ऐसे लाइन में क्यों लगाई हुई है समझ नहीं आया। चलो है भी सारी प्राइवेट नंबर ही हैं। कांग्रेचुलेशंस किसके लिए? मैं तो पूरी कहानी करते आया हूँ, अभी बोल रहे हो किसके लिए? क्या बोलना नहीं था? नहीं बोलना। सो यार अभी 2 मिनट लगेंगे मगर अभी। अरे 2 के क्या 10 मिनट लगाने पड़ेंगे? 2 कार्स फाइनल की, दोनों लेनी है? यार क्या पता होता है, नहीं समझ आया जब तो। चलो 1 से 2 भले ठीक है। तरुण भाई और मैं दोनों लेंगे। तरुण भाई विल बाय नथिंग। नहीं यार बाय तो मैं करूंगा लेकिन नथिंग करूंगा। यस ठीक है ना, तो वो हिसाब किताब जा किधर है? अभी तो ये जैसे रोड पे काम लगा हुआ है तो अभी डिवाइडर जो ये इन्होंने मतलब जैसे तोड़े हुए हैं, इनसे तो चलाना लीगल है ना कि नहीं? देखो ये रोड पूरी तोड़ी हुई है तो लीगल ही है।
अब कोई आए तो बातचीत करें तो पता चले। तो चलिए क्या करना है, अभी मैंने पीछे पार्किंग में गाड़ी लगाई तो वो भी कह रहे हैं भाई इधर नहीं लगा सकते, अभी यहाँ पे काम चल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रहता है पार्किंग का भी, फिर जगह जगह से रोड टूटी हुई है तो कहीं से भी हम घुसा लेते, कोई बात नहीं। तो फिलहाल कौन सी गाड़ी है, लंबी वाली? लंबी तो मैं रोज ही करता हूँ, बस वॉश टाइम नहीं आ रहा। नहीं वॉश टाइम नहीं आ रहा, लंबी गाड़ी बताए आपको नहीं आ रहा भाई, पता नहीं लोग क्या देखना चाहते हैं। वॉश टाइम को पूछो कहाँ पहुंचा है, वॉश टाइम को पूछो कहाँ पहुंचा है। तो ठीक है अभी जा रहे हैं यहाँ पास में ही, कार हंट हो रही है, तो जो गाड़ी हमें चाहिए वो हमने यहाँ अंदर लगी हुई देखी, तो शोएब भाई ने गाड़ी मोड़ ली, तो दो गाड़ियाँ फाइनलाइज हुई थी इधर, तो तीसरी दिख गई है इनको, तो चलो चलो पूछ के पता चलेगा। अब इन तीन में से आप देख सकते हो कि कौन सी गाड़ी जो है वो हमारी विश लिस्ट में है, जो हम लेना चाह रहे हैं। ऐसे सस्पेंस नहीं रखो, ये वाली भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उन तीन में से ही कोई हो। कार बाजार वाली लाइन में घूमते हुए मुझे वो पुराना दिन याद आ गया जब हमने, जब हमने एक बार फॉर्च्यूनर लगाया था ढूंढने ऐसे, और ले ली थी सुजू, हम मतलब ऐसे ही करते थे, करना कुछ चाहते थे हो कुछ चाहता था, गलती से हो जाता था। ये विक्टोरिया, शोएब भाई पीछे गए हैं पूछने के लिए, जो हमने वो देखी थी ना गाड़ियां पीछे होने में से कोई, तो देखते हैं प्राइस वाइज क्या फाइनलाइज होता है कैसे होता है। देखो गाड़ी लेनी है तो दो चार जगह पूछना ही पड़ता है, फैमिली के लिए ही चाहिए शायद उनको गाड़ी, तो बताते हैं अगर फाइनल होगी तो आज आपको दिखाई देंगे कौन सी गाड़ी है। रेट ही कुछ लोगों का आसमान पे पहुंचे होते हैं। अच्छा टाइम वेस्ट हो गया, नहीं बनी बात है, चलो कोई बात नहीं। फाइनली वी आर इन द कार, शोएब भाई नेगोशिएशन के बाद हैं, काफी शोएब भाई यार यू आर अ गुड बिजनेसमैन। तो चलिए जी, पर नई गाड़ी की बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक तो लो। तो समझ गए आप, एक दिन पहले भी गुप्त गाड़ी एक लेके घूम रहे थे, वो भी यही थी, और गाड़ियां इनको ना ही पता चले तो सही है, ये भी गुप्ती रहेगी, वैसे गुप्ती रहेगी, चलो कोई नहीं, बट ये वही गाड़ी है, बस ये क्या है कि जनरेशन ऊपर है, वो जनरेशन पुरानी। 2.8 लीटर ऑटोमेटिक, लाइक ये फॉर्च्यूनर से बढ़िया खींचती है, वेट नहीं है, और देख रहे हो आपका भाई गाड़ी खींच रहा है तो मतलब कितनी खींचती होगी, ठीक है ना, क्योंकि मैं नॉर्मली मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता गाड़ी भगाने में, लेकिन क्या मजा है यार, मैं पहली बार चला रहा हूँ इनोवा, और वो भी ऑटोमेटिक 2.8, ठीक है ना, ऐसे वो 2.4 वाली चलाई मैनुअल में कभी, बट वो नहीं, इस ऑटोमेटिक में जो फील है भाई, कितना देती है, क्या देती है माइलेज, ऑटोमेटिक है ना, हाँ 10.5 तो दिखा रही है, तो ट्रक वाले भाई साहब हमें उड़ाना चाहते हैं, लाइटें मार रहे हैं, कोई बात नहीं, बाकी चीजों की बात कर लें। इसमें मुझे बताओ यही ऑप्शन आता है कि इसमें है, ये नहीं, ये ऑप्शनल था। अच्छा तो जी है 2.8 फॉर्च्यूनर के इंजन वाली और ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक सही है, और देखो कैप्टन सीट्स का इसमें ऑप्शन है, तो मतलब लग्जरी वाला वो जो पूरा सेटअप है ना वो आपको इसमें मिलने वाला है, सीट कवर भी है जो वो नए ही डले हुए हैं, देख रहे हो अभी तक बिल्कुल ब्रांड न्यू से सीट कवर है, अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। शोएब भाई ये भी हमें साथ ही मिलेगा क्या, इसमें क्या है वो घास, ये कौन सी घास है, कौन सी ये, कौन सी घास है, ये मुझे लगता है गार्डन में लगाने वाली घास है, इसमें वो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक है ना। चलो ठीक है, ऑटोमेटिक, अच्छा ऑटोमेटिक हो रही है, लो जी ये बंद हो गई कड़क, क्या बात है। तो ये आप देख सकते हो इनोवा क्रिस्टा, ठीक है 2.8 जी जो है मॉडल है, तो मतलब ऐसे रोड पे जब भी कभी गाड़ी चलते देखते हैं ना, तो कभी उतना फील नहीं होता कि हाँ भाई क्या ही है गाड़ी में, क्या ही है गाड़ी तो है, लेकिन जैसे कोई गाड़ी, जैसे मैंने आज पहली बार चलाई, ठीक है, तो मुझे नहीं फील हुआ कि भाई इस गाड़ी का ना कुछ अलग ही लेवल का मतलब ऑडियंस बेस है, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो टोयोटा इनोवा लग्जरी लाइन में प्रेफर जरूर करते हैं कि इस गाड़ी का कंफर्ट इतना ज्यादा है, ड्राइव इतनी ज्यादा अच्छी है, नो डाउट आज वो मुझे चीज फील भी हुई कि मतलब कंफर्ट के मामले में इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ ये 4x2 रहती है, तो आप इससे एडवेंचर उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको फैमिली के साथ ट्रेवल करना है, लॉन्ग ट्रिप्स करनी है, टूरिंग के लिए ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया रहती है, और बाकी है तो बिल्कुल स्टॉक ही है, देखो लाइश लाई ये वो। अब हमारे भाई साहब ने ये गाड़ी किस लिए ली है वो नहीं पता, आपने ये गाड़ी क्यों ली है ये नहीं बताया, ठीक है बताएंगे भी नहीं कभी। इस गाड़ी का जो बयाना वगैरह है वो सब कुछ हो चुका है, लेकिन डिलीवरी जो है वो गाड़ी कल लेनी है, आज नहीं लेनी है, समझ गए ना आप। और बाकी सारी चीजें अंदर से भी देखो, मतलब आर्म रेस्ट वगैरह सब कुछ मिलता है इसमें, अच्छी है, ठीक है। बाकी कुछ खास की बात कर लें तो ठीक ही है, क्रूज कंट्रोल इसमें आई थिंक क्रूज कंट्रोल नहीं है, क्रूज कंट्रोल नहीं है शायद इसमें, हाँ क्रूज कंट्रोल तो मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, पर ठीक है ओवरऑल अच्छी है, मतलब इंटीरियर आप 2017 मॉडल है ना, तो कुछ बहुत ज़्यादा एलिमेंट आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते और आपको मिलेंगे भी नहीं, बट हाँ जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है वो है इस गाड़ी की ड्राइव, जो मैंने अभी चलाई ना मुझे फील हो गया, और मुझे मतलब चला के भी इतना मज़ा सा आया ना। इन सीट्स का कम्फर्ट दिखाते हैं आपको, अच्छा तो ये इनोवा की सीट्स हैं जो हमने अपनी जिप्सी में लगा रखी है, ये वाली होगी जब पुरानी वाली होगी, पीछे बैठ के भी कम्फर्ट काफ़ी अच्छा सा है, मतलब हाँ अच्छा है,
तो चलो सही है। बाकी पीछे एसी वेसी आपको मिल जाता है, थर्ड रो पे भी एसी वेसी आपको प्रॉपर वाले मिल जाते हैं यहाँ पे। इनको पता नहीं किस पर्पज से चाहिए, किस लिए ली है, फैमिली के लिए ली हुई होगी शायद। गाड़ी लेके अभी निकल रहे हैं और ये गाड़ी हमने ली है कन्नबिया से। कन्नबिया हेलो वालो, हेलो, कल मिलते हैं फिर। ओके ओके ओके, तो चलिए ठीक है। अभी जो डिलीवरी वगैरह है वो सारा कल ही होगा। आज क्या किया शेब भाई? बयाना शेब भाई यार, अच्छा ठीक है। तो मतलब वो है कल लेनी थी, पर यार चलो ठीक है, इनोवा वगैरह सब ठीक है, मान ली बात जी। लेकिन ऐसा कार्बन फाइबर स्टेयरिंग हो जी, मगर फिर भी बंदा वही चल, मैं कसम से ये छोड़ के वो चलाता हूँ सीक्रेट गाड़ी मारी। नहीं यार ऐसा क्या, लेकिन मुझे तो बड़ी सही गाड़ी एक्चुअली क्या है, जो जिसके पास आ जाए ना फिर वो उसको नहीं सही लगती, तो जो अभी ख्वाब देख रहा है उसके लिए वो अच्छी रहती है। तो चलो तो चलिए जी, जर्ब लगा रहे थे ठीक है जर्ब लग गई है। तो चलो किस पर्पज से लिया है क्या है वो सारा मुद्दे की बात नहीं है, गाड़ी ली है बीच बीच में आपको दिखेगी, सिर्फ इतनी मुद्दे की बात है। चलो आप पार्टी कराओ मुझे, गाड़ी ली है आपने तो। हाँ नहीं नहीं एक और नहीं, अभी फिलहाल आ चुके हैं इस तरह की कुछ लोकेशन पे। ठीक हो? बढ़िया। क्या करने लगे हो? बस वही जो करते आए तो अभी ये क्या है, मेटल की पत्ती लेने आ गए हैं। इन्होंने कहा ना हट जाओ कट लग जाएगा तो चलिए अभी वो मेटल की सीट का आपको फुटस्टेप दिखाया था ना, उसके लिए कुछ हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो वही लेना है। यहाँ आगे भी बहुत बार आए हैं हम, कभी पाइप लेने के लिए, कभी कुछ अपना बलैरो का केज बनाया था हमने, जिप्सी के लिए भी एक बार पाइप लेने आए थे। तो चलो ये मतलब आप देख रहे हो मजाक की भी, तो ऐसा नहीं सोचना कि सीरियस माहौल है तो मजाक नहीं है। और बाइक की नंबर प्लेट है, क्या बात है, गाड़ी का पूरा नंबर के साथ एकदम बढ़िया से गाड़ी है। देखो इसको लेके चल रही, टायर लगे हुए हैं सब। हाँ लीगल है बिल्कुल, आरटीओ पास है, चलती है आरटीओ से, बस वो खुल जाए तो ये नाइट्रोजन पे चलती है सीधा। अच्छा आरटीओ पास गाड़ी है, सिलेंडर और गैस रखा हुआ है, अभी काटेंगे यहाँ से। अच्छा इससे आग से कटेगी, मेहनत का काम लग रहा है ये। तेरा दिमाग हो गया खराब, दोबारा लगा है, पीता नहीं मेरा जला देना इसको, झटका लग रहा है का। आप फीता गल जाएगा गलत काट रहे थे वो आठ, उस पे काट लिया में आएगा। दो पीस करा लेंगे, चार करना है, हाँ चार चार के दो कर दो। कितनी जल्दी काट दिया आग से ना, कटर से तो टाइम लगता, पता नहीं हमें तो नहीं पता। आएगा पीछे पर मेरे को लग रहा है बड़ा है, नहीं ठीक है, गर्म है, इसको ठंडा करो, जा तो कपड़ा रख ले ऊपर, इसको ग्लव्स खोल के ना इसको 20 गिनने तक पकड़ के रखो, 20 गिनने तक, बराबर का काटा है, बराबर का काटा देखना, 4-4 फुट के दो बात बोलो। अच्छा ये 2 इंच बड़ा है जी, जी अंकल गर्म है, मार के देख लो मर्जी, ठीक है फालतू के रहने दे, कोई चक्कर नहीं, टेंशन नहीं ले, ठीक है नहीं है यार, कहाँ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, एक ये कुछ खराब करेगा, चलो मेरा भाई दो गत्ते के पीस में आप साइड साइड पर रख देते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं। हाँ गत्ते के पीस दो रख लेते हैं साइड पर, थोड़ा सा गर्म लग रहा है ये ना, मैट गल जाए, वैसे सॉलिड मैट है जाएगा नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन के लिए जो है डोंट नो डोंट केयर शेब भाई, कूल तो आपने भी लिए है। लोहा लेके आ चुके हैं वापस, क्या करते रहते हो आजकल आप, हाथ बहुत हिला रहे हो, बोलना तो बोल के चाहता हूं मैं भी कुछ बोलते बोलते रुक गया। सामने जा रही है रॉक्स, 4x4 है कि 4x2 है, वो तो यहीं से पता चलना था, टेस्ट ड्राइव वाली है। शब इस साइड रखो, मुझे जानना है कि 4x4 है कि 4x2। अरे शाम के टाइम जो इधर गांधीनगर में मसला है ना, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, 10 मिनट की जगह में मैं 1 घंटे से फंसा हुआ हूँ, निकलने को ही नहीं आ रहा, सबको बस एक साथ ही घुसना ही घुसना है, फिर पुलिस की गाड़ी आती है तो क्लियर होता है। अभी भी आवाज आ रही होगी आपको। इसी के साथ खत्म हो रहा है आज का दिन, और आज के दिन में जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।